आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला है। मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 18 अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार की बेंच में आज पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो 18 अलग अलग मामले हैं जिनको लेकर लगातार सुनवाई जारी है। मामले में आज हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। 18 अलग अलग मामलों में ये सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार की बेंच में आज ये सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार की बेंच आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। तो दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। तो हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि को होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत बैनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज लगभग 11 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होनी है और 11 बजे से इस मामले में पूरी तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मैं बता दूं कि इससे पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी पूरी बात रख दी थी और जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ने जो दावे किए थे, जो तथ्य रखे थे, उस पर हिंदू पक्ष पिछली तारीख से अपना काउंटर करना शुरू किया है और जिसकी वजह से अब हिंदू पक्ष ने पूरी तरीके से इस पूरे मामले में अपना पकड़ बनाना शुरू किया है। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष से वाद संख्या एक की ओर से विश्व शंकर जैन ने अपना जो पक्ष रखना शुरू किया है, वो पूरे दिन उस बात मामले में सुनवाई चलती रही। मुस्लिम पक्ष ने जहां एक और इस पूरे मामले में अपना दावा पेश किया है, वही विश्व शंकर जैन द्वारा लगातार इस पूरे मामले में अपने तथ्य रखे जा रहे हैं, हिंदू पक्ष के तथ्य रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आज भी हिंदू पक्ष की वाद संख्या एक पर विश्व शंकर जैन द्वारा सुनवाई की जाएगी, जो अपनी दलीलें रखी जाएंगी और इस तरीके से सभी 18 वादों पर एक एक करके इस पर बहस होगी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा यह कि जो भी तथ्य है उसको हिंदू पक्ष नकारेगा और नकारने के साथ साथ अपने पक्ष के सभी सबूत एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। चलिए इंद्रजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।